हेलो नमस्कार साथियों, मैं दीपक आपका द एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके लिए 12 अगस्त और 13 अगस्त की सभी शिफ्टों के रीजनिंग के वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है जिनकी। और मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं, जो बिल्कुल टुच्चे पुच्चे क्वेश्चन आए थे वो तो मैंने बिल्कुल बाहर निकाल के रख दिए। मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो और जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक लग रहा है, यानी जो लॉजिक आप पकड़ ही नहीं सकते वो लॉजिक लेकर आया हूँ, वे वाले क्वेश्चन उठा के लाया हूँ सभी शिफ्ट को। यदि आपको विश्वास भी ना हो तो आप कोई भी जो बच्चा पेपर देकर आया है उससे पूछ लेना कि यही क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। तो दोस्तों, ये 12 और 13 अगस्त के सभी शिफ्टों का निचोड़ है, यानी बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगे शिफ्टों में बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा बस, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 12 अगस्त की पहली शिफ्ट का है। देखिए इसमें बताना है आपको कि इसका संबंध जब इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि इसके ऑप्शन तो बच्चे याद कर नहीं सकते, तो मैं जितना उन्होंने बताया है बस वैसे ही मैं लिख के आया हूं, बस आपको आंसर निकाल के बताऊंगा इसमें किस लॉजिक से आपको करना। ठीक है, देखिए यहां पर उन्होंने इसको क्या लिखा, ए एस टी ई यू आर, इसको क्या लिखा उन्होंने, टी पी आर यू ए एस ई लिखा। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए यहां पर ए को क्या लिखा उन्होंने, टी लिखा, और ए जैसे यहां पे आ गया। देखिए दोस्तों, इसमें लॉजिक लगाने का एक चक्कर भी है, यहां पर ए आ गया, अब देखिए यहां पर, यहां से टी यहां पर आ गया, अब देखिए यहां पर इसी तरह आप इसको लिखिए एस ई वी ई एन टी वाई। देखिए सबसे पहले तीसरे नंबर वाला कहां है, पहले नंबर पर, तो यहां क्या आना चाहिए था, वी आएगा, फिर ए कहां जाएगा, लास्ट से तीसरे नंबर पर, तो लास्ट से तीसरे नंबर पर क्या आ गया, ए आ गया, देखिए यहां रख दिया। अब एस कहां पहुंचा, लास्ट से दूसरे नंबर पर, तो ई कहां पहुंचेगा, लास्ट से दूसरे नंबर पर। ठीक है, यहां से ई कहां आया, लास्ट में नंबर पर, तो यहां पर ई कहां जाएगा, सबसे लास्ट में, इतना हो गया, इतना तो आया आपकी समझ में। देखिए यहां पर अब यू कहां आया, यहां से चौथे नंबर पर लास्ट से, तो एन कहां आएगा, लास्ट से चौथे नंबर पर। ठीक है, आ गया। अब देखिए आर कहां आया, उसके और आगे, आर कहां गया यहां पर, टी यहां जाएगा और वाई यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको, बस ऑप्शन में यही होगा और आपको बस यही टिक करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस आया दोस्तों इतना समझ में। चलिए इस प्रश्न को देखिए और अपना लॉजिक भी लगाइए कि आप समझ लो कि पेपर में बैठे हो, आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिए इसको। देखिए यहां पर ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया लॉजिक है इसमें। देखिए यहां पर ए को क्या लिखा उन्होंने, टू लिखा, क्योंकि ए वन पर आता तो वन जोड़कर उन्होंने टू किया, सी कितने पर आता, थ्री पर आता, थ्री में वन जोड़कर कितना किया, फोर किया। ठीक है, अब इसी तरह मैं पार्टिसिपल करो लिखना कहा, देखिए पी ए आर टी आई सी एल ई, इसको लिखना है। देखिए पी कितने पर आता, 16 प्लस 16 पर आता तो हमें एक जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो 17 लिखेंगे हम। अब ए वन पर आता तो इसको हम किस पर लिखेंगे, टू लिखेंगे। आर 18 पर आता तो इसमें वन जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 आएगा। टी 20 पर आता तो 20 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। आई कितने पर आता, 9 पर आता, इसमें बन जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। और सी में 3 पर आता, इसमें बन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एल 12 पर आता तो इसमें बन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और ई 5 पर आता, इसमें बन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए 1 पर आ रहा था तो 2 लिखा तो उन्होंने बन जोड़ कर किया, सी 3 पर आ रहा था इसमें बन जोड़ा, 4 आया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमने सब में प्लस 1 कर दिया इनकी सब अल्फाबेट नंबर सीरीज की अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको पूरा टोटल किया तो अपना आंसर 92 आएगा, और 92 ऑप्शन में दिया हुआ, भाई आपको टिक करना था। किन किन बच्चों ने 92 टिक किया था कमेंट करके बताएं। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए, ये भी बहुत घटिया प्रश्न पूछे गए दोस्तों कल की शिफ्ट में, बच्चों के भर भर के नंबर आए हैं। मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था, उसके भी 89 नंबर आए हैं इसी में, मैं आपको उससे मिलवाऊंगा कभी। ठीक है, उसका भी शायद भोपाल था पेपर, 89 नंबर है उसके, उसका कल ही तो फोन आया था। देखिए
उसी ने तो सब क्वेश्चन भेजे मेरे पास। देखिए यहाँ पर यदि आपके पास भी यानी आपका भी पेपर है अगले आने वाली शिफ्ट में तो आप क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है ठीक है, इस नंबर पर आप भेज दीजिए, मैं आपका एनालिसिस करा दूंगा। ठीक है 749 ठीक है। देखिए रवि राहुल का पिता है, रवि क्या है राहुल का पिता है, रवि क्या है राहुल का पिता है, राहुल कहां आएगा नीचे आएगा, जो राधिका का पति है, राहुल क्या है जो यानी पास वाला, तो राहुल क्या है राधिका का पति, राधिका का पति कौन हुआ राहुल हुआ, तो रवि का रवि राधिका से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए रवि राधिका से किस प्रकार संबंधित है यानी राधिका किसकी पत्नी है राहुल की, राहुल के पिताजी कौन है रवि, तो रवि राधिका के कौन हुए ससुर हुए, ससुर हुए। तो दोस्तों ऑप्शन किसी ऑप्शन में ससुर दिया हुआ आपको वही टिक करना था। ठीक है दोस्तों चलिए ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया पूछा गया था दोस्तों, ये तो मेरी जो मैंने रैंकिंग चैप्टर की कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी आपको उसी क्लास से आया डिटो सवाल पूछा गया, ये नहीं हो तो आप देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने रैंकिंग चैप्टर पढ़ाया था आपको 15-20 मिनट में सारे टाइप पढ़ा दिए थे उसमें, उसमें से ये पहला टाइप पूछा गया है और मैंने कहा भी था कि इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। यदि आप लोगों ने यदि जो जिसका पेपर आने वाली शिफ्ट में है तो वो पहले वीडियो देख ले क्योंकि उसमें से बाहर नहीं आ रहा एक भी क्वेश्चन रैंकिंग वाले से, और यदि तो वाली भी वीडियो मैंने डाली थी इसमें ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक बताई थी, ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताई थी उसमें, उससे यदि आप उससे कुछ क्वेश्चन हल करते तो आपके आंसर मात्र 5 सेकंड में निकल आते। अब मैं बताता हूं आगे जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसी ट्रिक से हल करूंगा, देख लेना आप 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल दोगे उसका। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर 42 छात्र की एक पंक्ति में गौरव का स्थान बाएं से 29वां है तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। देखिए 42 कुल छात्र कितने हैं 42 है तो 42 में से जिसका स्थान बाएं से दिया है 29, अपन को उसका दाएं से निकालना तो प्लस 1 कर देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों देखिए इसमें से अपन ने इतना घटाया 42 में से 29 गया कितना बचा 3 और 3 एक 13 बचा और प्लस 1 किया कितना हो जाएगा 14 यानी रात गौरव का दाएं से स्थान कौन सा है 14वां है। आया दोस्तों इतना समझ में। देखिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सरल पेपर आया था दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस पेशेंस बनाए रखना, पेपर में जो आप पे नहीं बन रहा है उसको पहले छोड़ देना, उसमें फालतू में माथापच्ची मत करना, आप आगे बढ़ते जाना छोड़ते जाना, जो जो बन रहा है आप सारे 100 तक देख लेना पहले प्रश्न कितने बने, फिर दूसरे नंबर पर देखना कि कौन कौन नहीं बने, कौन कौन 1 मिनट ले रहा है वो सॉल्व करना, फिर लास्ट में जब 1 या 2 मिनट लगे तब तुक्का मानना यदि तुक्का की नौबत आए तब, लेकिन आपको तुक्के की नौबत नहीं आएगी, बस आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आप सारे लॉजिक आपको ध्यान आ जाएंगे पेपर में, बस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहां पर किसी निश्चित कूट भाषा में BUTTIN को क्या लिखा उन्होंने TUVNOT लिखा, तो तब हमें बताना है कि डबल को क्या लिखेंगे DOUVLE को क्या लिखेंगे। देखिए यहां पर N कहां आया यहां आ गया, O कहां है यहीं आ गया, T कहां है यहां पहुंचा, देखिए यहां से T आया B आया U यहां आया, बस इसी तरह इसको लिख दीजिए, देखिए U यहां आ जाएगा D यहां आ जाएगा O यहां आ जाएगा V यहां आ जाएगा B यहां पहुंच जाएगा L जहां है वहीं रहेगा। देखिए यहां पर लिख दीजिए UOD, अब देखिए ELV, बस यही आपका राइट आंसर था, आ गया ना 5 सेकंड के अंदर। चलिए इस प्रश्न को देखिए वो बनाइए इसे, आप समझो कि हम पेपर में बैठे हैं बस प्रश्नो को सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ। देखिए यहां पर किसी पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 17वां है, तो देखिए पंक्ति में मोहन का स्थान कहां से बाएं से कितना है 17वां है मोहन लिख दिया, तथा सोहन का स्थान दाएं से 16वां है और सोहन का स्थान कौन सा है दाएं से 16वां है, सोहन का स्थान दाएं से 16वां है। ठीक है भाई अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो मोहन का स्थान बाएं से, जब मोहन यानी मोहन यहां पहुंच जाता है और सोहन यहां आ जाता है तो मोहन का स्थान बाएं से कौन सा हो जाता है 26वां हो जाता है, 26वां हो जाता है, तो सोहन का नया स्थान दाएं से क्या होगा, तो हमें बताना है कि सोहन का दाएं से स्थान कौन सा हुआ, नया स्थान दाएं से कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कुल छात्र कितने हुए इसमें, टोटल कर दिया हमने, टोटल कितने हुए इसमें, देखिए यहां पर
टोटल हुए कितने 42, 42 हुए प्लस प्लस किया अपन ने। जब सोहन मोहन के स्थान पर आ गया, मोहन किस नंबर पर था बाएं से, 17वें नंबर पर, तो देखिए इसमें से प्लस बन करके माइनस 17 कर दीजिए, आपका सोहन का दाएं से स्थान आ जाएगा। देखिए 43 में से यानी 17 गए कितने बचे, 17 में से 13 में से 7 गए 6 बचे, और 3 में से 1 गया 2 बचे, 26वां अपना सोहन का दाएं से स्थान है। ठीक है दोस्तों, आ गया इतना समझ में। चलिए इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह के भी आपको इतनी गजब का मेथड बताया था आपको, बस आपको सिर्फ देखना और आंसर निकालना था। देखिए मैंने क्या बताया था, जब या तो वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाए यानी या तो वाला, तो आपको क्या देखना है उसमें, या तो देखना है आपको ए नॉट बी, या देखना है आपको बी नॉट ए, बस यही किस ऑप्शन में दिया है आपको वही चेक करना था, आपका आंसर मात्र 5 सेकंड में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, यदि ईमानदार है और बेईमान है, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा था आपको, ए को कुछ भी भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको ए और बी मानना है। देखिए पहले वाले को ऑप्शन क्या माना हमने, ए माना, दूसरे में नहीं है ए नॉट माना, आदमी बेईमान होता है बी, बेईमान नहीं होता है बी नॉट। देखिए अब देखिए ऑप्शन दिए होते कैसे, यहां पर भी जिस ऑप्शन में ए नॉट बी या बी नॉट ए बन रहा होगा भाई अपना राइट आंसर हो जाता। देखिए किसी ऑप्शन में जैसे ऐसा दिया होता, देखिए डी ए पहला वाला ऑप्शन, और फिर दिया होता बी सी, और फिर दिया होता ए बी, और फिर दिया होता ए और डी। देखिए डी डी को देखिए, डी में क्या लिखा बी नॉट, ए में क्या लिखा ए, तो बी नॉट ए बन गया ना पहला वाला ऑप्शन, देखिए बी नॉट ए। अब देखिए बी सी को चेक कीजिए, आप बी में क्या लिखा बी, और सी में क्या लिखा ए, देखिए ए भी बना। इस तरह का हमें देखना नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ये दोनों चेक करना किस ऑप्शन में दिए भाई अपना राइट आंसर होगा। देखिए ए बी ए ए नॉट ए डी ए बी नॉट, क्योंकि बी नॉट पहले आया था तब अपना ये ऑप्शन सही होता, कौन सा दिया ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे उसमें, क्योंकि बच्चों ने ऑप्शन नहीं भेजे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस इतना चेक करना था, जब या तो वाला कॉन्सेप्ट आए या तो वाला, तो आपको देखना है ए नॉट बी या बी नॉट ए। और यदि यदि तो वाला पूछे, देखिए आगे आने वाली शिफ्टों में यदि तो वाला पूछ सकता है, तो यदि तो वाला पूछे तो आपको देखना है, एक तो देखना है ए बी, या देखना है बी नॉट ए नॉट, देखना है बस ये दोनों देखना है यदि तो वाले में। आया दोस्तों इतना समझ में, चलिए इसको कीजिए। देखिए यहां पर आदमी या तो धार्मिक होता है या नास्तिक होता है, तो आपको बताना है, चलिए वही लॉजिक लगाइए जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए या तो लिखा, तो आपको क्या देखना है ए नॉट बी या बी नॉट ए देखना, बस देख लीजिए किस ऑप्शन में। देखिए इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको ए नॉट देंगे, इसको बी नॉट देंगे, ए नॉट क्योंकि आदमी दिया, इसमें आदमी नास्तिक है यानी बी और बी नॉट। अब देख लेना किस ऑप्शन में ए नॉट आए या किस ऑप्शन में बी नॉट आए, भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया दोस्तों समझ में। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में आपको क्या करना था, देखिए यहां पर किसी कोड भाषा में सोफा सेट को आर क्यू सी ई एन के एम लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एन यू एम बी ई आर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहां पर सोफा सेट को उन्होंने क्या लिखा, सोफा सेट को आर क्यू सी ई एन के एम के एम के एम लिखा। अब हमें बताना है कि एन यू एम बी ई आर को क्या लिखेंगे, तो देखिए सुपर सेट को क्या लिखा उन्होंने आर क्यू, देखिए 19 से कितना हुआ 18 हुआ यानी माइनस 1 हुआ, फिर 15 से 17 हुआ प्लस 2 हुआ, फिर एफ 6 पर आया था और ई 3 पर आया था तो माइनस 3 हुआ, फिर ए 1 पर आया था ई 5 पर आया था तो प्लस 4 हुआ। देखिए इस तरह सीरीज बढ़ रही है, देखिए यहां पर पहले कितना हुआ माइनस 1, फिर प्लस 2, फिर माइनस 3, फिर प्लस 4, फिर माइनस 5 आएगा, फिर प्लस 6 जाएगा, फिर माइनस 7, फिर प्लस 8, ऐसा ऐड हो रहा है। ठीक है इसी तरह हम इसमें कर देंगे। देखिए एन कितने पर आता 14 पर आता, एन यू 21 पर, एम 13 पर और बी 2 पर और ई 5 पर और एन 18 पर, बस आपका आंसर निकल आता, आपको पेपर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप लोगों ने मेरे सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो मैंने इस तरह का भी आपको लॉजिक पढ़ाया है, यदि आपको विश्वास भी ना हो तो आप एक बार देख लीजिए सारे प्रैक्टिस सेट, मैंने सारे लॉजिक पढ़ाए थे, वही लॉजिक पेपर में पूछे गए हैं। और बाप क्लासें भी इतनी लंबी नहीं है कि एक घंटे की चल रही क्लास, मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास है हर क्लास 15 से 20 मिनट की,
उसमें मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए, 10 सवाल लेकर आया तो 10 ही कॉन्सेप्ट अलग अलग थे, ना कि एक समान कॉन्सेप्ट थे। फालतू का टाइम पास दिया उसमें मैंने आपको लोगों के लिए। आप पहले वो प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, यदि आपकी यानी 20 तारीख के बाद पेपर है तब, यदि 20 तारीख के पहले है तो आपको यही एनालिसिस चेक देखते जाइए। अभी अभी देखिए यहाँ पर पहले वाले में क्या करना, माइनस वन करना, 13 14 में से माइनस वन किया 13 आया। दूसरे वाले में क्या करना, प्लस टू करना, तो 21 में प्लस टू किया 23 आया। फिर माइनस थ्री करना, 13 से 3 माइनस किया 10 आएगा। फिर दो दिया, दो में प्लस 4 करेंगे तो 6 आएगा। अब फिर 6 आएगा तो माइनस 5 करेंगे, इसे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब देखिए यहां पर आर से प्लस 6 करेंगे, आर में प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। इसी तरह आपको देखना था, बस लिख दीजिए। 13 पर क्या आता, एम आता, 23 पर डब्ल्यू आता, और 10 पर जी आता, और एफ पर 6 आता, और 26 पर जेड, और 24 पर एक्स। बस यही आपका किसी ऑप्शन में दिया होगा, आपको वही टिक करना था, आंसर आ जाता आपका। मात्र 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता बस आपके लिए। देखिए चलिए, इस तरह का भी एक प्रश्न पूछा ही गया था, जी था, कौन से सेप्टेम्बर में पूछा गया था, हाँ 12 तारीख की पहली सेप्ट तो थी नहीं, सेकंड सेप्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 12 तारीख की सेकंड सेप्ट में, एमपी कांस्टेबल 2023। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को बनाइए। देखिए राम श्याम के चाचा का भाई है, राम श्याम के, तो श्याम कहाँ आएगा, नीचे, तो श्याम के एक पिताजी होंगे, पिताजी के भाई होंगे, तो भाई का बेटा कौन है, राम है, इनके भाई का बेटा राम है। राम श्याम के चाचा का भाई है, राम श्याम के, राम श्याम के चाचा का भाई है। देखिए राम श्याम के चाचा हुए और ये भाई हो गया इनका, है तो ये कौन हुआ, राम हुआ। ठीक है, राम हुआ। श्याम के दादा के केवल 2 लड़के हैं। अब देखिए श्याम के दादा कौन हुए, राम के पिताजी हुए दादा, इनके 2 लड़के हैं सिर्फ, 2 लड़के। तो राम का श्याम से किस प्रकार संबंध, देखिए श्याम, राम ने पहले कह दिया था कि राम श्याम के चाचा का भाई है, चाचा का भाई है, तो राम श्याम का क्या हुआ, पुत्र हुआ। यानी राम श्याम से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए राम श्याम से किस प्रकार संबंधित है, पिता के संबंध में है। आया दोस्तों समझ में, इतना आया समझ में आपको। चलिए इस प्रश्न को बनाइए, मैंने इसकी भी आपके लिए बहुत बेहतरीन इंटरव्यू बताई थी कि आपको पेपर में ना ही बैंड डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुछ बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने माइंड में 3 चीजें याद रखनी थी। देखिए यहाँ पर जहां पर सभी दिया होता वहां पर आपको पहले वाले को 100 और दूसरे वाले को 50, और जहां पर कुछ दिया होता वहां पर पहले वाले को 50 दूसरे वाले को 50, और जहां पर कुछ नहीं दिया होता वहां पहले वाले को 50 और दूसरे वाले को 100 रुपए देना, और जहां कोई दिया होता वहां 100 100। ठीक है दोस्तों, इतना आया समझ, अब देख दीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने कहा था आपको कथन को क्या मानना आय, और निष्कर्ष को क्या मानना आपको खारिज, बस इतना ही। देखिए कुछ बैंक प्राइवेट है 50 50, कोई प्राइवेट सरकारी नहीं है, तो देखिए कोई आया तो 100 100। अब देखिए पहला वाला निष्कर्ष, कुछ बैंक सहकारी नहीं है तो 50 और 100, कोई बैंक सरकारी नहीं है, देखिए 100 और 100। देखिए यहां पर कुछ बैंक सरकारी है, कुछ बैंक सरकारी है, सरकारी नहीं है, तो देखिए पहली वाली में दोनों कोई कॉमन शब्द आ रहा है, हाँ प्राइवेट आ रहा है, कौन, देखिए प्राइवेट दोनों को कॉमन आ रहा है, यानी एक कथन से हम दूसरे कथन पर जा सकते हैं। और जब पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा कथन नेगेटिव दिया हो तो निष्कर्ष भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो निष्कर्ष भी नेगेटिव दिया। देखिए यहाँ पर कुछ बैंक सरकारी नहीं है, देखिए कुछ बैंक 50 यहाँ दिया, 50 यहाँ भी खर्च कर रहा, और सरकारी में 100 सरकारी में 100, और पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रहा है तो नेगेटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर कोई बैंक सरकारी नहीं है, कोई बैंक सरकारी नहीं है, तो देखिए दूसरा वाला भी देखिए इसी तरह का दिया, कोई बैंक सरकारी नहीं है, देखिए कोई बैंक, बैंक कितना है यहाँ पर 50, यहाँ पर कितना दिया 100, तो दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस आपको यही चेक करना था, आपका सिर्फ पहला वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है। आया दोस्तों समझ में, चलिए इस प्रश्न को नहीं, आज का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों मैं फालतू के प्रश्न नहीं लेकर आया, मेरे पास प्रश्न आए थे 40 50, लेकिन मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो वास्तव में आपको बताने लायक है। वो प्रश्न लेकर नहीं आया कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वो तो आप भी जानते हैं,
किसका जी होगा, इसका दर्पण क्या होगा, ये पांसी वाला जी तो आप बनते ही है कि इसमें स्क्वायर की सीरीज बढ़ रही है इसमें, इतना जब आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं तो इतना तो आपको आता ही है। तो आपको इससे फालतू प्रश्न नहीं लेकर आया, आपको बे वो प्रश्न लेकर आया जिनकी लॉजिक पकड़ने में आपको थोड़ी कठिनाई होती है। बस आपको यही देखना कि आगे शिफ्टों में हमें इस तरह भी सोचना है कि इस तरह भी इसके आंसर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे क्लस्टर का दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था, तो इसको भी आप बना सकते थे। यदि जिसको ना बनाना आता हो तो मैं बता देता हूं, देखिए यहाँ पर यहां से उल्टा करना है आपको। देखिए आर बन जाएगा उल्टा ऐसा, फिर बन जाएगा ई, ई बन जाएगा, फिर बन जाएगा टी, फिर बन जाएगा एस, और फिर बन जाएगा यू, यू, फिर बन जाएगा एल, और फिर बन जाएगा सी। ठीक है, इस तरह बनाना था आपका आंसर दिया होता किसी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप इसको लिख लेना, इसी तरह इसको लिख लेना, बस आपका आंसर आ जाता। तो दोस्तों आज का एनालिसिस कैसा लगा आपको? दोस्तों क्योंकि मैं कल इसलिए आपके लिए लेकर नहीं आ पाया एनालिसिस, क्योंकि टाइपराइटर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसने रात को टाइप नहीं कर पाए थे प्रश्न। तो मैंने सोचा ठीक है बच्चों को कल 14 तारीख यानी 12 और 13 का एक साथ एनालिसिस करा देता हूँ। और दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन तो आ गए थे, लेकिन मैंने सोचा वो क्वेश्चन लेकर जाए जो जिनका लॉजिक पकड़ने में आपको भी कठिनाई होगी, और जिन बच्चों जो बच्चे पेपर देकर आए हैं उनसे भी पूछ लेना कि यही क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है दोस्तों, यदि नहीं आए हूं तो आप कमेंट करके बताना, ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि जो बच्चा पेपर देकर आया है मैंने उससे खुद जाकर उसके पास सारे क्वेश्चन उससे लिए। और दोस्तों आपको बता दें उसके नंबर 89 नंबर आए हैं उस बच्चे के, आपको भी मिलाऊंगा उस बच्चे से मैं। बस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा आप। जय हिंद, जय भारत।